Hello everyone. Hello everyone, this is Priyanka here, a home baker from Priya's Magical Kitchen. Welcome back to my channel. आज हमारा जो फ्री फ्लेवर नट्स वर्कशॉप था उसका सेशन टू है, जिसमें मैं बाकी चीजें कवर करने वाली हूँ. सेवन फ्लेवर्स रहेंगे, जिसमें हल्दीराम स्टाइल मसाला कैश्यूज, स्ट्रॉबेरी किशमिश, देन इटालियन हर्ब्स एंड चीज फ्लेवर में काजू रहेगा, चॉकलेट काजू रहेगा, हनी आलमंड रहेंगे, देन साथ साथ में रहेगा इसमें ऑरेंज फ्लेवर में काजू और पेरी पेरी पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स. ओके सो फ्रेंड, फटाफट जुड़ जाइए और जितने लोग जुड़ गए हैं प्लीज शेयर करना ना भूले. थैंक्स इन एडवांस. और शेयर करते हो तो इसमें आपका ही फायदा है फ्रेंड्स. और लाइक भी कीजिए. और ये जो हमारा नया वर्कशॉप आने वाला है, शुगर फ्री ग्लूटन फ्री कुकीज, 0% मैदा, होल व्हीट फ्लावर भी यूज मैंने नहीं किया है. सो 100% ग्लूटन फ्री शुगर फ्री और आपको रीजनेबल रेट में बनेगी आपकी कुकीज. कोई भी एक्सपेंसिव एलिमेंट्स हमने इसमें नहीं डाले हैं. मेन बात, 20 टाइप्स की हमारी शुगर फ्री ग्लूटन फ्री कुकीज वर्कशॉप में कवर होने वाली है. बहुत जल्दी ये वर्कशॉप में लाऊंगी. ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे आज मैंने सेवन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हाँ, 7 कुकीज जस्ट कवर किया है. बहुत थक गई बट मुझे आना था. और ये सिर्फ 7 है, बाकी और बाकी है तो 20 कुकीज कवर हो जाएगी. ठीक है, आपकी कोई भी अगर क्वेरीज है तो यहाँ पे पूछना. हम स्टार्ट करेंगे विद इन अ मिनट. जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं स्टेटस में रख देती हूँ ये लाइव सेशन, ताकि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी जुड़ पाए. ओके चलो सर, आप पढ़िए, आपकी जो भी क्वेरीज है हम आंसर जरूर करेंगे. सो यहाँ पे ये जो वर्कशॉप के लिए अर्ली बर्ड्स ऑफर फी है 1000 रुपीज फॉर 35 स्टूडेंट के लिए. ओके और आवाज कम कर, और उसके बाद रहेगा 1350. ठीक है, सोच रही हूँ विद इन अ वीक मैं ये वर्कशॉप लाऊ, क्योंकि 20 कुकीज मुझे शुगर फ्री ग्लूटेन फ्री कवर करनी है. यहाँ पे कोई भी हमने एक्सपेंसिव एलिमेंट्स नहीं ऐड किए हैं, बहुत रिजनेबल रेट में आपको मिलेगी. बट है कि यहाँ पे कोई मार्जिन का भी यूज नहीं हुआ. ठीक है, और जितनी दिखने में अच्छी है उतनी खाने में भी उतनी ही टेस्टी है और एकदम लाइट है. तो ये है हमारी, और कलर्स देखिए कितने मस्त मस्त मैंने बनाए. परफेक्ट है, वही बोला कि कलर्स कितने मस्त लग रहे हैं. ये ऐसे ही परफेक्ट कैसे कलर लाने हैं आपकी, कहीं से बर्न नहीं होगी कुकीज. तो यही होता है वर्कशॉप में, आपको प्रॉपर टिप्स मिलेगा. ठीक है, मैंने कुछ सबवे स्टाइल बनाई है, थोड़ी सी बिग और ये थोड़ी बहुत ज्यादा जंबो वाली बनाई है. ये जैगरी वाली है, मेन बात ओटमील कुकीज, प्योर जैगरी का यूज किया. जी हेलो, रजीवरन जी सुपर पिक बोल रहे हैं. अश्विनी जी, ये कौन सी कुकीज है? मैम ने अभी अभी बताया शुगर फ्री, आपने ऑलरेडी बता दिया है. ओके ओके, अश्विनी जी मैम ने अभी अभी बताया. अंशु जी हेलो, पायल जी हेलो, मीना जी गुड इवनिंग, नीलम जी हेलो, कंचन जी हेलो, वैशाली जी हेलो, नेहा जी हाय, हाउ आर यू, वी आर गुड, ब्यूटीफुल कुकीज, थैंक यू मीना जी, नीलम जी हेलो, कंचन जी हेलो, वैशाली जी हेलो, नेहा जी, मैं बार बार ले रहा हूँ.
मैंने कुकीज लाइव क्लास होंगे या रिकॉर्ड नहीं, ये लाइव होगा, लाइव नहीं होगा सॉरी, ये रिकॉर्डिंग रहेगा एंड लाइफ टाइम एक्सेस है, मेरे सारे वर्कशॉप ऐसे ही हैं। और okay? जो फर्स्ट 35 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 1000 रुपए। हाउ टू डू बुकिंग फॉर द क्लास मीना जी, आपको मैम को व्हाट्सएप करके रखो, मैम का नंबर 8652890119। ठीक है, तो ये कुकीज आपको फर्स्ट 35 स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज फी है, 20 टाइप्स की शुगर फ्री, डायबिटिक फ्रेंडली, 0% मैदा, 0% व्हीट फ्लावर के साथ, और फुल्ली रिजनेबल रेट में हमारी ये कुकीज बनने वाली है। जी बोले कि कितनी टाइप्स की कुकीज रहेगी, 20 टाइप्स की कुकीज रहेगी इसमें, 20 टाइप्स की, और 20 टाइप्स की तो अभी रहेगी, आगे भी और ऐड होते ही जाएंगे, जैसे कि जैसे जैसे मैम का मूड बनता है वैसे वैसे ऐड होती जाती है। ओके, एक मिनट मैम, भाविका जी मैम मार्जिनिंग से बन सकती है? जी नहीं, यहाँ पे मैंने नहीं यूज किया क्योंकि आपको वैसी कुकीज बनानी है तो उसका मैंने अभी तक वर्कशॉप नहीं निकाला है। मेरे पास एक हेल्दी कुकीज का वर्कशॉप है, दूसरा ये जो है ग्लूटेन फ्री का है, शुगर फ्री ग्लूटेन फ्री, ठीक है, तो ये आप सेल भी कर सकते हो, 100% डायबिटिक पेशेंट खा सकता है, अगर आप डाइट पे हो तो खा सकते हो। एक चीज ये भी रहता है, खा सकता है मीन्स ज्यादा नहीं खाए, क्लियर करो नहीं तो पता चला कि 5-6 कुकीज एक साथ खाए। कोई भी चीज आपको लिमिट के बाहर ऑब्वियसली नहीं खानी रहती है, right. है ना। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, इसका शाइन देख रहे हो, सो ये है हमारी तिरामिसु, मेन बात मैंने तिरामिसु में बनाया है। ये है हमारी कराची, मैंने इसमें टूटी फ्रूटी नहीं, मस्त बनी है, यस टूटी फ्रूटी मैंने नहीं डाला, नहीं डाला, क्यों डालो, मुझे टोटली डायबिटिक पेशेंट के लिए बनानी है, ठीक है, ओके। कराची कुकीज है बट मैंने टूटी फ्रूटी नहीं डाला, मेन अट्रैक्शन वो होता है, बट मैंने नहीं यूज किया है क्योंकि मुझे 100% यहाँ पे शुगर फ्री बनानी थी, ओके। और मैंने ऐसा कोई भी इसमें फ्लावर यूज नहीं किया है जो आपको कॉस्टली गिरे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, कॉस्टली गिरेगा, और ये सब मैदा नहीं है, नहीं ग्लूटेन नहीं है, यस 0% मैदा, ग्लूटेन फ्री। और ये है हमारी रोज पिस्ताशियो कुकीज, जितनी दिखने में खूबसूरत है डिलीशियस भी उतनी है, प्रॉपरली कैसे कलर रखना है आपका। नेक्स्ट कलर एक बचा है पिस्ता कलर, मैम वो भी लेके आएंगी। ओह माय गॉड, टूटी तो नहीं, बहुत ये खुशखुशित है ना एकदम, बड़ा ज्यादा मैंने फोटो तक नहीं निकाला है अभी तक, फोटो निकालना चाहिए, फोटो सेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये टूटने में कोई ये नहीं लगेगी। ये मैंने थोड़ी जायंट बनाई है क्योंकि मुझे सबवे स्टाइल थोड़ी बनानी थी। ये है हमारी, ये फिर से गिरेगी मैम, अरे क्या है, रेड वेलवेट, ओके आप कलर देख सकते हो कितना प्यारा कलर आया है, ओके। ये मैंने एक नान खटाई बनाई है बट मैंने सबवे स्टाइल बनाई है थोड़ी फ्लैट में, ओके। तो चलो हम अभी, और ये है हमारी बबल गम में, बबल गम बहुत पसंद आई है, यस बबल गम है, आप इसमें कलर जैसे चाहे एडजस्ट कर सकते हो, बट कलर नहीं है ना अभी, रखो मैंने फोटोज नहीं निकाली है अभी, कुछ नहीं बेटा अब जाओ, ठीक है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स और अपनी मेन रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। किसी को भी ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो, वर्कशॉप विद इन अ वीक रेडी हो जाएगा। अर्ली बर्ड ऑफर फी 35 स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज है और उसके बाद फीस रहेगा 1350, ठीक है। निधि जी हेलो, पूजा जी हेलो, पूजा जी बोलिए वाह जी वाह, तो आई मैम बहुत सारे फ्लेवर्स सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, यस सेलिंग प्राइस ऑब्वियस है, एज कम्पेयर टू नॉर्मल कुकीज ज्यादा ही होगी। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि आप लोगों को कोई भी ऐसे ज्यादा एक्सपेंसिव एलिमेंट्स ना एड करने पड़े, सो वही सोच के, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली आप सेल करोगे तो लेने आगे वाला बंदा भी सोचेगा कि ये इतनी कॉस्टली है उसे ना खाए तो बेटर है ना। तो मैं इवन कॉस्टिंग के साथ आपको बताऊंगी कि ये आपको कितने में सेल करना है, बाकी आपके एरिया के हिसाब से आपको कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सारी चीजें मैं बताऊंगी ये पूरे वर्कशॉप में टिप्स। रश्मि जी बोले कि एक सिखा दो, रश्मि जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक वर्कशॉप है। शुभांगी जी वाव यमी, यमी तो है ही, मैंने खाई है एक दो। शिखा जी हाय, शिखा जी थैंक यू सो मच शेयरिंग के लिए। अंशु जी बोले एक्सलेंट डी है जी, थैंक यू सो मच अंशु जी। अब हम यहाँ पे चलो स्टार्ट करें, आज क्या बना रहे हो मैम? अभी बनाएंगी फ्लेवर नट्स का सेकंड सेशन, जिसमें हम आज कवर करेंगे हल्दीराम स्टाइल, पहले मसाला काजू
उसके बाद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में किशमिश रेजिन्स, ओके, देन इटालियन हर्ब्स एंड चीज फ्लेवर में काजू रहेगा, चॉकलेट काजू रहेगा, हनी आलमंड्स रहेंगे, उसमें मैं थोड़ा सिनेमन का फ्लेवर भी देने वाले हूँ, ऑरेंज फ्लेवर में कैश्यूज रहेगा और पेरी पेरी पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स, ठीक है, ऑल कवर्ड करने वाली हूँ आज। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू सीखेंगे। बट्ठा ला लिया काजू का, अभी पता है अभी हम ये सेशन खत्म होने के बाद मास्टर शेफ भी देखते हैं। हाँ, और हाँ मुझे तो बड़ा मजा आता है। अरे सोने से पहले फिर से एक, यानी सब कुछ क्लीन करने के बाद भी हाँ, फिर से एक घंटा मतलब सोने के लिए होता है 1 PM, 1 PM बोला 1 AM, और इतना ऐसे वो शो में मैं घुस जाती हूँ अंदर। सीमा जी हेलो जी, देखिए ये मैम ने काजू लिए है बहुत सारे। दीदी जी यमी कुकीज जी, यस। सो यहाँ पे सबसे पहले काजू में हम कवर करने वाले हैं, तो हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू के लिए आप डबल ट्रिपल जो क्वांटिटी में बनाओ, मैं हाफ कप ही बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास काफी सारे फ्लेवर है। उधर हाफ कप होगा दो ना। आपका काजू क्या प्राइस है? आपका ये जो काजू है क्या प्राइस में लाया था आपने? 700 नहीं, 700 ज्यादा था, ज्यादा होगा 780 था। हाँ वो कम ज्यादा होते रहते हैं, है क्या? डिपेंड्स ऑन, नहीं दिख रहा मैम, संभल के। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, एक्चुअली कैसे होता है, जैसे कोई जैसे ही कुछ नया आता है, जैसे दिवाली के पहले रेट्स बढ़ जाते हैं, हाँ, तो क्रिसमस के पहले रेट्स बढ़ जाते हैं, हाँ, ये के पहले रेट्स बढ़ जाते हैं, यस यस, और सबको उसी टाइम पे चाहिए रहता है, मेन बात है ना। तो यहाँ पे यहाँ काजू क्या प्राइस, जैसे बोला 780 या ऐसे आसपास में मिला है, काजू का क्वालिटी काफी अच्छा है इसलिए मैंने किया। मैम यू वेरी लव कुकिंग, यस। तीन जी हेलो, कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद। 60-70 ग्राम समझ लो, ठीक है, 70 ग्राम के करीबन हम ले रहे हैं यहाँ पे काजूज, हाफ कप, ठीक है, मेरे पास हाफ कप का पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैंने 1/4 का 2 times लिया, ठीक है, तो 70 ग्राम हमने यहाँ पे काजूज लिए हैं। अब हम इसे ही करेंगे जी, कुकीज क्लास रिकॉर्डिंग रहेगा, प्री रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं, पीडीएफ फाइल मिलेंगे विथ लाइफ टाइम एक्सेस, ओके। आप मुझे व्हाट्सएप करो अगर और इंक्वायरी करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। प्रियंका जी हेलो, शिल्पी जी हेलो, काजू एक का वैसे में भाजन थे का नहीं नहीं होता, ठीक है, हमने काजू ले लिए। अब थोड़ा सा मुझे, हाँ अब मसाले बताती हूँ, ठीक है मैम, शिका जी मैम सब बताएंगी, सब डोंट वरी, तेरे तेरे भी हो गया, बट प्रियंका जी अभी अभी अब तक कुछ शुरू नहीं हुआ है, ओके, अभी स्टार्ट कर रही हूँ, जस्ट स्टार्ट कर रही हूँ। व्हाट्स दिस याना, कुछ आली हुक्की याना, याना पढ़े प्लीज, कंप्लीट योर स्टडीज, मैं आपको पूछने वाला हूँ, सोने नहीं दूंगा, देखो अभी व्यूअर्स भी देख रहे हैं, चलो अब जाओ प्लीज। नहीं हो गया आपका, हो गया आपका, बड़े ऐसे थोड़ी ना होता है, फट्टी है, बहुत हो गया, चलिए हमारे शुरू नहीं होते, ओके। तो यहाँ पे पेरी पेरी सॉरी सॉरी कौन सा बोल रही थी मैं, हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू, तो यहाँ पे 70 ग्राम हमने काजू ले लिया है, हम शांतरा थोड़ा यहाँ पे अब एक मसाला बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे कसूरी मेथी, मेरे पास मेरी फ्रेश वाली है, इसका वीडियो भी आप देख सकते हो मेरे पेज पे, मैंने जो बना के रखी थी वही कसूरी मेथी मैंने यहाँ पे ली है, इसे मैं अच्छे से इस तरह से एकदम, जो इतनी अच्छी खुशबू आती है ना घर की मेथी की, तो यहाँ पे हमें लेना है कसूरी मेथी 1/2 teaspoon, ठीक है, एक साइड में मैंने कसूरी मेथी ले लिया है 1/2 teaspoon, इसमें हमें लेना है चाट मसाला, क्यूमिन पाउडर, और इसे आप कोई भी ऑकेजन में सेल कर सकते हो, शॉप में रख सकते हो, काफी दिन तक बहुत अच्छे से रहेगा,
सिर्फ इतना है कि आपको पैकिंग ठीक से करनी है। ओके, यहाँ पे हमें लेना है चाट मसाला, और इतना मजेदार काजू बनता है ना ये। चाट मसाला ले लिया हमने, और मैं जैसे फ्री हो जाऊंगी मैं इंग्रेडिएंट डालूंगी। अभी मैं फिलहाल में फ्री नहीं हूँ, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे हमें लेना है जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। ये आप मसाला अगर बना के भी रखते हो, और जब भी आपका मन किया आप मखाना के साथ बनाओ, आलमंड के साथ बनाओ, कैशेस के साथ बनाओ, जिसके साथ बनाना है आप इसे यूज कर सकते हो। देन ब्लैक पेपर हमें लेना है यहाँ पे 9 का होता है। जैसे हमने आपको पता है कि मैम तो हमेशा 9 बजे के आसपास आती है, तो आप आ जाया करो। थैंक यू सो मच। ठीक है, देन रेड चिली पाउडर हमें लेना है यहाँ पे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेते हो तो बहुत बढ़िया कलर आएगा इसमें हमारे हल्दीराम का मसाला काजू में। कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। देन पिंक सॉल्ट या रॉक सॉल्ट ले लीजिए, इससे कि ना टेस्ट एकदम चटपटा सा आता है, इसलिए मैं यहाँ पे रेगुलर सॉल्ट यूज नहीं करती हूँ। एक ब्लैक सॉल्ट यूज कीजिए, या फिर आपको लेना है रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट। ठीक है, सो ये हमने ले लिया है पिंक सॉल्ट 1/2 टीस्पून। देन सिनेमन पाउडर लेना है, जिंजर पाउडर लेना है, गरम मसाला। ओके, सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून। जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून। इक्वल ही प्रपोर्शन है इसका, कोई कम ज्यादा नहीं है, और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, गरम मसाला ले लो यहाँ पे 1/2 टीस्पून, और हींग लेना है 1/8 टीस्पून। ठीक है, दैट्स इनफ। गरम मसाला ले लिया हमने, हींग मैं बाद में डालूंगी जब हम कैश्यूज को हल्का सा रोस्ट करते हैं तब। चलो अब हम हल्दीराम स्पेशल मसाला काजू की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कैमरा थोड़ा टेढ़ा कर देती हूँ, असर है असर। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पैन को हीट कूटे गेला लाइटर, अब पढ़ो आप। यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर दिया है मैंने। ओके, इसमें हम घी ऐड करेंगे, मुझे घी का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है। आपको यहाँ पे अगर डेफिनेटली आप इसमें ऑयल का यूज कर सकते हो। ठीक है, घी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। गौरी जी हेलो, 1 टीस्पून। नमस्कार श्यामल जी, कविता जी, क्या बात है। मैं बना रही है हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू, राइट। मैम कुकीज बना रही, नो कुकीज आर लाइक मैम का एक क्लास आने वाला है। शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, मेंशन प्रॉपरली प्लीज। शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, डायबिटिक फ्रेंडली, फ्रेंडली का डायबिटिक फॉर डायबिटिक पीपल्स कुकीज आ रही है, इसका क्लास आ रहा है। तो मैम 20 टाइप्स की कुकीज कवर होने वाली है। हाँ। उसकी अर्ली बर्ड ऑफर फी है 1000 रुपीज फॉर 35 स्टूडेंट ओनली।
35 स्टूडेंट के बाद उसकी फी रहेगी 1350। ओके पल्लवी जी बोले कि मैम आई नो मैक्रोन्स क्लास आए जस्ट सांगा मला मैक्रोन्स बनवणं टफ आहे का? बिल्कुल नहीं, खूब इजी है। जस्ट आप प्रॉपरली मैक्रोन्स अलग अलग टाइप के बनते हैं, तो जो मैम का क्लास है वो काफी इजी है और कोई भी बना सकता है। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी बना सकता हूँ, और मैंने उसमें काजू मैक्रोन काजू मैक्रोन आलमंड पीनट मैंने खुद के वेरिएशन आए हैं। काजू के भी मैक्रोन्स बनते हैं, पीनट के भी बनते हैं, आगे जाके सनफ्लावर सीड्स की बनाते हैं, जो भी जिसमें भी फैट्स है फैटी सीड्स है उससे बना सकते हैं। पूनम जी यादव, मित्तल जी यादव, और काजू फ्लेवर काजू आलमंड्स बहुत काजू फ्लेवर के जो बनाए मैम ने काफी अच्छे बनाए। हाँ, यहाँ पे हमें मीडियम हीट पे हल्का सा रोस्ट करना है। ठीक है सर, आप कहाँ से? आप कहाँ से? शिखा जी महाराष्ट्र नवी मुंबई काम उठे। ठीक है मीडियम फ्लेम पे करो, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर पिन कर दिया है, अगर किसी को भी मैम को मैसेज करना है तो मैम मैसेज कर सकते हैं। ओके अब मैं ये सारा मसाला, आप मैम को मैसेज कर सकते हो, अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो मैम आपको डिटेल्स भेज देगी। फ्लेम को बंद किया है मैंने। ठीक है ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको ये मैम के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। फ्लेम बंद कर दिया है, अब हमें अच्छे से इसे कोट कर लेना है। इसे हम निकाल देते हैं, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे थोड़ा घी वगैरह कम है तो आप डेफिनेटली डाल सकते हो, बट इतना इनफ है नहीं तो हाथ में नहीं लगना चाहिए घी। ऐसे ही काजू रहते हैं। ओके हाँ, तो हम इसे अभी निकाल देते हैं। चलो करो इधर कैमरा, अब यही काम करना पड़ेगा। आपके काजू बहुत ही अच्छे, थैंक यू सो मच। हाँ बस एक ही इस पे रखना है। ठीक है अब मैं फिलहाल मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि बाकी भी हमें कवर करना है यहाँ पे। तो ये हमारा एक हल्दीराम स्टाइल काजू रेडी है, इसे मैं निकाल देती हूँ। और एकदम देखिए कितना अच्छा सा मसाला कोट हुआ है। मैंने जितने भी कवर किए हैं ना, आप खुद एक वर्कशॉप इसकी बना सकते हो, बट पीडीएफ खुद बनाओ। ठीक है थोड़ी सी मेहनत मैंने की है, बाकी आप उसका कैसे फायदा उठाना है या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है एक हमने बना दिए हैं, देखिए कितने प्रॉपरली इस तरह से कोट हुआ है मसाला, है ना। तो ये हो गया हल्दीराम स्टाइल हमारा पहला। अभी हम नेक्स्ट टिश्यू पेपर थोड़ा क्लीन कर, जस्ट क्लीन कर वॉश न को करना है। ठीक है ये एक फ्लेवर, अब नेक्स्ट फ्लेवर हम बनाएंगे और इसकी डिमांड जब फेस्टिवल होता है तो आपको भी पता है, मुझे इतना पता है कि जब यूपी साइड में जब कोई घर में गेस्ट आते हैं तो काफी सारी ऐसी चीजें रखी जाती है ना, नमकीन रहता है, तो इतना कुछ आप बना सकते हो सेल कर सकते हो। जस्ट आपको कैसे फायदा लेना है मेरे फ्री वर्कशॉप का आप थोड़ा खुद सोचो। ओके देन नेक्स्ट है हम बनाएंगे यहाँ पे इटालियन हर्ब्स एंड चीज फ्लेवर में काजू। सेम वे से आपको लेना है काजू हाफ कप, इट्स नियर अबाउट 70 ग्राम। ठीक है हाफ कप मैंने जैसे अभी मेजर किया था तो 70 ग्राम था, तो मैं उतना ही यहाँ पे लेने वाली हूँ। ठीक है 70 ग्राम हमने काजू ले लिया। अब हम यहाँ पे चीज जो फ्लेवर बना रहे हैं इटालियन हर्ब्स का विद चीज के साथ। वाह ये मजा आएगा सब इस वीकेंड में। सर के तो मजे, याना याना भी बहुत मजे से खाती है, उसने फ्लेवर मखाना कितना अच्छे से खाया।
फ्लेवर मखाना खत्म हो गया हमारे यहाँ का। इतना मैम ने बनाया था सब खत्म, पूरा खत्म। कितना सारा बनाया था मैंने, यस। फिर छान इसका, यस यस, थैंक यू। गौरी जी को भी पसंद, मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी, या फिर जैसे मेरा फोटोशूट हो जाएगा ना, मैं हर एक कुकी आपको बेक करके दिखाऊंगी। अंदर का टेक्सचर भी आपको पता चलेगा कि कैसा है। अभी फिलहाल में मैंने इसका फोटोशूट नहीं किया है, बट वो बहुत जल्दी मैं सारी कुकीज में तोड़ के दिखा दूंगी, कोई डोंट वरी। तो यहाँ पे हम अभी एक मसाला बना लेते हैं, ठीक है, इटालियन हर्ब्स एंड चीज के लिए। और इसका कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे चीज पाउडर, अभी चीज पाउडर जो है मैंने रेडीमेड लिया है। एक उस दिन मैंने दिखाया था ना, एक ऑरेंज कलर में चीज पाउडर, तो एक कप नाई लाइट वन होना रहा नहीं होना, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो आप वो वाला भी चीज पाउडर ले सकते हो, या फिर ये नॉर्मल वाला भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चीज पाउडर लेना है। चीज पाउडर का क्या, हाँ बहुत अच्छी खुशबू चीज का ही, मतलब टेस्ट इतना मस्त आ रहा है, मतलब खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। होममेड भी चलेगा, होममेड का मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, बट बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो चीज पाउडर हमें लेना है यहाँ पे। पायल जी बोले कि मैम लाइन में ये रवा केक दिखाइए ना, पता नहीं कौन सा दिन आएगा। जी जरूर ट्राई करें। यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ टेबल स्पून चीज पाउडर। अब हम बाकी मसाले इसमें डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे लेना है आपको, इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा लगेगा, एक तो टमाटो वाला भी अच्छा लगेगा, ठीक है, चीज के साथ। तो टमाटो पाउडर का यूज करना है, बट यहाँ पे मैं इटालियन का फ्लेवर दे रही हूँ, चीज इन इटालियन। तो यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून। हमने ले लिया ब्लैक पेपर पाउडर। ऑरिगेनो हमें लेना है यहाँ पे, ओके, ऑरिगेनो हमें लेना है 1/8 टीस्पून। ये हमने ले लिया। मिक्स हर्ब ले लो या फिर इटालियन सीजनिंग ले लो इसमें, ठीक है, इटालियन सीजनिंग। यहाँ पे 1/4 टीस्पून। शो द चीज पाउडर बॉटल जी। हाँ, एक पैकेट में भी मिलता है ये ऑरेंज कलर में, उसमें टमाटो पाउडर का यूज होता है। अरे यार, हाँ ये रख दिया है मैंने, टिक्कू का है, टिक्कू का चीज पाउडर, टिक्कू टिक्कू है क्या, टिक्कू एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बताती हूँ, एक मिनट, अभी ये मुझे पूरा कंप्लीट करने दो, मैं बताती हूँ। अब ले रही हूँ मैं रेड चिली फ्लेक्स, चीज एंड इटालियन का फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। हाफ टी स्पून ले रही हूँ यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स, ये ले लिया। सॉल्ट अपने टेस्ट के अनुसार डालो आप। और ले रही हूँ मैं, ड्राई मैंगो पाउडर ले लेना है यहाँ पे 1/8 टीस्पून। अगर मैम की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। अगर आप शेयर करोगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो आपको खाके देखना है सर जी। शो द चीज पाउडर, थैंक यू सर को मैं टेस्ट कराती हूँ, वो बड़े
ज्यादा मसाला हुआ है क्या? थोड़ा सा बट ठीक है। हाँ आप एक्स्ट्रा निकाल सा, आपको इसे छान के आप निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा मसाला। यहाँ पे हमने सारे इंग्रेडिएंट ले लिए हैं, जैसे कि चीज पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ऑरिगेनो सीजनिंग चलेगा क्या? हाँ चलेगा, ऑरिगेनो 1/8 टीस्पून, इटालियन सीजनिंग लिया है मैंने यहाँ पे 1/4 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ड्राई मैंगो पाउडर 1/8 टीस्पून, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं इधर, पिज्जा सीजनिंग चलेगा क्या? हाँ हाँ चलेगा। सॉल्ट कौन सा लिया है? सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट लो, ब्लैक सॉल्ट लो, चलेगा। अंकल जी बोले आज ब्लॉक हो गया। क्या ब्लॉक हो गया? शेयरिंग, आपने ज्यादा शेयर किया होगा इसलिए ब्लॉक हो गया। पूनम जी थैंक यू सो मच। इसमें हम घी ऐड करेंगे। बहुत कम भी घी मत ऐड करना, अदरवाइज मसाले कोट ही नहीं हो पाएंगे उसमें, ठीक है? 1 टीस्पून तक तो इनफ है घी, और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आप रोस्ट करो। मैं सिर्फ मंथली एक ही वर्कशॉप निकालती हूँ, बहुत ज्यादा हेडेक मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि मैं बाकी भी चीजों के लिए, बाकी भी मेरे एक्टिविटीज के लिए मैं समय निकालना चाहती हूँ, इसीलिए क्योंकि डिमांड तो बहुत आती है कि ये भी वर्कशॉप लेके आओ, वो भी, बट नहीं, मेरे से जितना होता मैं वही करती हूँ अभी तक। बस मंथली एक वर्कशॉप निकालो, क्योंकि इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। बिदा जी हेलो। और ये हो जाएगा तो हम कल से जो है संक्रांति स्पेशल प्री वर्कशॉप में लेके आऊंगी, ठीक है? तो उसमें भी सेशन, 2-3 सेशन में मैं कवर कर दूंगी, डेली 3-4 चीजें सिखा के, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये हमने इस तरह से फ्लेम को भी बंद कर देना है पहले बार तो, और ऐसे करने से अच्छा हम क्या करेंगे, एक बोल में निकाल लेते हैं तो पैन भी उतना खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले ये सारे मसाले जो हैं मैं इसमें डाल दूंगी, और ये जो हमारे कैश्यूज हैं, अच्छे से टॉस कर लो। वाओ क्या खुशबू आ रही है, मस्त। ठीक है, इट्स डन, विद इन अ मिनट आपके बन जाएंगे ये सब। या ना गाना क्यों गा रही है? ओके, ये रेडी, हमारे सेकंड फ्लेवर रेडी हो गया है, इसे भी मैं निकाल रही हूँ। वाह, दिखाओ मैम, थोड़ी देर में दिखा। नहीं ले लो भाई, अरे अभी गरम है तो खाओ गरम। नहीं ना वो ये होता चीज वाला मस्त है। नेक्स्ट फ्लेवर हम कवर करेंगे अभी यहाँ पे। सिंधु बालाजी हेलो, गीता जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बहुत ही मजेदार फ्लेवर, बहुत ही मस्त, ये बच्चे भी खा सकते हैं। ऐसे ऐसे फ्लेवर की मार्केट में भी नहीं मिलेंगे। मखाना में हमने कितने से फ्लेवर कवर किए है ना, तो दो फ्लेवर में ये बन गया है, मतलब काजू बादाम का नाम ही हम चेंज कर सकते हैं, है ना?
एक मिनट। देन थर्ड वन है यहाँ पे हमारा, क्या हो गया या ना, जाओ उसको खाना दे। पॉपकॉर्न नहीं है वो, कैशियस है। कहाँ पे है? उधर है ना। जल्दी माइक्रोवेव का यूज करो, फिर बाद में मुझे यूज करना है। हाँ, चॉकलेट काजू, चॉकलेट काजू करते हैं। मतलब पहले काजू का हम कवर कर लेंगे, ऑरेंज काजू, चॉकलेट काजू। मूव करो थोड़ा। अभी चॉकलेट काजू की ओर बढ़ते हैं। तो सेम काजू, यस, उस दिन जो क्या था, मखाना, चॉकलेट मखाना, तो वही उसने खत्म कर दिया पूरा। थोड़ा ये भी मखाना तो जल्दी खत्म हुआ है। हाँ, एक मिनट रुको, अभी मैं कुछ कर रहा हूँ ना। यहाँ पे सेम मैं ले रही हूँ काजू 70 ग्राम। ठीक है, 70 ग्राम काजू ले लिया। हाँ, 2 मिनट अभी तो बाकी, इधर ही काम है इसका। दिख रहा है ना, देखा, अभी कढ़ाई भी खराब नहीं हुई। तो यहाँ पे हम चॉकलेट काजू के लिए 1/2 कप हमने काजू ले लिया। पहले तो इसे अच्छे से रोस्ट कर लो। मैं ये वो कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। ओके, सो यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लो पहले इसे। चॉकलेट काजू भी बड़े मजेदार लगते हैं, ऑरेंज फ्लेवर में काजू। एक फ्लेवर में बताऊंगी ना आपको, तो आप ढेर सारे बना सकते हो इसमें, है ना। उस दिन हमने कितना, 7-8 कवर किया था क्या मखाना? 8 मखाना के फ्लेवर हो गए, और आज के 7 कितने हो गए, 15 फ्लेवर फ्री नट्स वर्कशॉप में। आप अभी पीडीएफ बनाओ, और आपको जैसे इसका यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, A to Z चीजें मैंने बताई है, पान फ्लेवर में किस तरह से बनाते हैं, स्ट्रॉबेरी में किस तरह से बनाते हैं। तो ये हम अभी मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं। हल्का सा भून जा, दैट्स इट। चॉकलेट देशील मिला थी तुम, डार्क चॉकलेट। किसी का भी लास्ट सेशन अगर मिस हो गया है तो आप देख लीजिए, ठीक है। अब 2 मिनट वेट करो, सारे आपके कमेंट सर पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले रही हूँ। हाँ, ये देखिए हल्का सा इसमें कलर आ गया है। रोस्ट करके जब बनाते हैं तो उसका फ्लेवर ही कुछ अलग आता है, यू नो। सो रॉ से अच्छा, काफी लोग बस यही करते हैं, कैश्यूज को चॉकलेट में डुबा दो और ड्राई कर दो। बट वो करने में और ऐसे फ्लेवर खाने में बहुत डिफरेंस है, आप एक बार ऐसे ट्राई करके देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसे निकाल देती हूँ मैं, और मैं अभी दूसरा पैन ले लिया है। अब इसमें मैं 1/4 कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट डाल रही हूँ, और साथ में थोड़ा सा बटर, मीन्स बटर आपको लेना है जस्ट
टीस्पून एंड 1/4 कप आपको लेना है कंपाउंड चॉकलेट, घी या बटर कोई भी चलेगा। इसे कढ़ाई को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ मैं, काफी सारा घी लगा है ना। सीमा जी थैंक यू सो मच, बीना जी हेलो, शिखा जी आप बहुत बहुत थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सुप्रिया जी हेलो, आप अपने हैम्पर्स के लिए ये सब बना सकते हो, है ना, दिवाली हैम्पर्स है, राखी हैम्पर है। ये कर दिया, अब हम यहाँ पे चॉप करके किसी को एनिवर्सरी पे गिफ्ट भी दे सकते हो, मस्त वाला ये बना के। मैं सच बताऊ, मैं कहीं पे किसी को अगर गिफ्ट देना है ना, बाहर से कुछ नहीं खरीदती। सुप्रिया थैंक यू सो मच, सिंपल बात है, अपने खुद के आप प्रोडक्ट बनाते हो तो उससे ज्यादा लोग इम्प्रेस होते हैं, मेन बात है ना। आपको अपनी मार्केटिंग खुद ही करना है, बोलते हो अगर किसी का कुछ कोई प्रोग्राम में बुलाते हैं, घर पे चीजें जो बनती है, कभी चॉकलेट दीजिए, कभी कुकीज दीजिए, कभी मैं खुद वैसे करती हूँ, मैं कोई स्पेशल बाहर से गिफ्ट नहीं लाती हूँ। सोचेंगे अरे ये तो वो बड़ा मस्त बनाती है, हम क्यों ना हम ऑर्डर दे उनको। अश्विनी जी रॉ कैशू मुळे मुले खात नाही, चॉकलेट फ्लेवर मध्ये केले तर खातील तरी। यस एक्झॅक्टली, जब मैं छोटा था तभी मैं मुझे काजू पसंद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो गया मुझे अकल आई, मैंने काजू खाने शुरू कर दी। याना उस दिन बोल रही थी मखाना ये क्या है मखाना, और जब खाया वाह 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 करती रहती है। फिर तो हम यहाँ पे फ्लेम को बंद कर देना है, ठीक है। मखाना तो मुझे पता भी नहीं था, मखाना नाम की कुछ चीज रहती है, शादी के बाद ही पता चला। गाँव में नहीं उतना ये था, शादी के मजे होता का, तो मैं मुंबई में रहता था पहले से। अभी तुम्हें तभी भी नहीं पता था मखाना क्या चीज होती है, बताएगा तो पता चलेगा। हम क्या रोज का खाना खाते थे, हमें सिर्फ यही पता था मसाले काजू। वो तो एकदम पास वाला रिलेशन था उसके साथ, राइट, चखने में मिलता था। इसे हम मेल्ट कर देंगे, अभी फिर से मैं फ्लेम को ऑन करे बट लो फ्लेम पे, हाँ जस्ट चॉकलेट को मेल्ट करना है बटर के साथ। और अब हम कैश्यूज डाल देंगे रोस्ट किया हुआ, हाँ पार्चमेंट पेपर चला लाऊंगी, अच्छे से कोट कर लेना है, ठीक है। हो गया अच्छे से कोट, अभी इसे हम पार्चमेंट पेपर पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। इट्स डन, मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ। पार्चमेंट पेपर नीचे लगाने में मेरा क्या, इधर है इधर है, यू डोंट वरी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। ये काजू अलग अलग करना है, ऐसे इकट्ठा नहीं। हाँ थैंक यू, क्या कर रहे हो, पता ध्यान किधर है, मेरी तरफ इतना ध्यान मत दो अभी, तुम्हारी तरफ नहीं। तो फिर या फिर कोई भी, इसे अभी फैन के नीचे ड्राई करना है, ठीक है। तो हम एक एक काजू को सेपरेट करेंगे, अगर आपको एकदम नीट क्लीन वाला अगर चाहिए तो आपको क्या करना है, चॉकलेट को मेल्ट करना है, एक एक काजू डिप करके आपको इस तरह से रख देना है, ठीक है, उस तरीके से करो या इस तरीके से, मुझे यही सही लगता है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा बटर का भी फ्लेवर आता है और रोस्ट किया हुआ, जस्ट हम इसे फैन के नीचे रख देंगे, ये ड्राई हो जाएगा, ठीक है, जैसे लास्ट टाइम हमने मखाना किया था ना। कुछ टुकड़ा भी है इसमें, इसे रख रही हूं मैं।
ओके नाउ थर्ड रेसिपी, यहाँ पे गुरदीप जी हेलो, ऑरेंज फ्लेवर में काजू बता रही हूँ। शिखा जी होममेड घी ला सकते हैं? हाँ मैम ने बताया है ऑलरेडी एक बार। एक्चुअली हमारे यहाँ पे ए टू गाय का मिल्क आता है, गिर गाय जो रहती है उसका। हाँ। तो मैम हमेशा बनाती है। हाँ, अभी भी मलाई काफी सारी है बट मैं थोड़ा मैम एक मे भी रील निकल के डाल देंगे। हाँ, बिल्कुल चलो थोड़ा नहीं बहुत करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा यार। इसके बाद कौन सा है? अभी ऑरेंज वाला है। अरे तो भाई इसमें नहीं करना है ऑरेंज। तो फिर इसको क्या करूँ मैं? अभी क्लीन करके दूँ ऑरेंज में, ऐसे माइक्रोवेव में करना है ऑरेंज वाला। इसको क्यों क्लीन करें? अरे हनी आलमंड भी तो बनाना है। हाँ, तो फिर वो पूरा ही क्लीन करना पड़ेगा मैडम। ये थोड़ी होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर में बना रहे हैं। 70 ग्राम ले रही हूँ। यहाँ पे आप ऑरेंज की जगह जो चाहे यहाँ पे फ्लेवर बना लो। ठीक है, 70 ग्राम हमने काजू ले लिया। पार्चमेंट पेपर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अच्छा तो आप इसमें ब्लूबेरी रसबेरी जो चाहे फ्लेवर बनाओ। तो यहाँ पे हमने काजू इसको रोस्ट करना है मेन बात। ठीक है, रोस्ट किया हुआ ही काजू लेना है। तो मैं फटाफट इसे रोस्ट कर लेती हूँ। हो गया ना? थैंक यू। विदाउट माइक्रोवेव नहीं कर सकते है क्या? नहीं, ऑरेंज वाले जो फ्लेवर में रहते हैं, फ्लेवर अगर थोड़ा गर्म करे तो उड़ जाएंगे। हाँ। क्योंकि हीट उतना नहीं रहता। नहीं, मेंटेन वो जैसा कलर चाहिए आपको। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। नहीं स्नो गिर रही है क्या? हाउ मेनी रेसिपीज आर डन? थ्री ऑलरेडी डन। थ्री हो गया है। ठीक है, इसे हमें खुशबू जी हेलो कैसे हो? बहुत दिनों बाद। मैम अच्छी है। Which brand of chocolate you used for the cashews? Vanille. Good question. Vanille. As you go. Vanille. Pooja ji, ma'am, when you will teach the biscuits which I have kept in a tray. So Pooja ji, those are the sugar free cookies and those are covered in a workshop and it will be paid workshop and jo फर्स्ट 35 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए 1000 रुपीज फीस रहेंगी। काफी हेल्पफुल जिनको भी करना है। डायबिटिक फ्रेंडली वर्कशॉप है। ग्लूटेन फ्री, नो मैदा नो होल व्हीट फ्लावर नो शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, डायबिटिक फ्रेंडली और हेल्दी कुकीज सुपर हेल्दी। सुपर यानी हेल्दी रहता है। हेल्दी का नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर हेल्दी। हेल्दी मीन्स होल व्हीट फ्लावर। ओके, या मल्टीग्रेन फ्लावर। सुपर हेल्दी, नो स्नो, जस्ट द कोल्ड वेदर। ओके, हमारे यहाँ पे तो गर्मी हो रही है लेकिन ठीक ठाक चल रहा है मौसम। मुंबई का 17 डिग्री लोएस्ट है 17 डिग्री। बाहर में थोड़ा ठंडा लगता है। ठीक है, रोस्ट कर लिया हमने इसे। आपको ओवन में ही करना है अभी, तो इसे जस्ट निकालते हैं हम। हल्के से उसमें दाग आ गए हैं इस रोस्ट करने के, तो बस दैट्स इट। मैम प्लीज रिपीट द इंग्रेडिएंट्स। जी जरूर। यहाँ पे मैं
तो यहाँ पे ठीक है, थोड़ा ठंडा होने दो, एकदम गरम इसमें मत करना। तो हम तब तक क्या करेंगे, एक इसमें क्रश ले लेते हैं, ऑरेंज क्रश, क्योंकि मैं ऑरेंज फ्लेवर में बना रही हूँ। अब जो चाहे फ्लेवर में इसमें बना, जैसे कि मैंने मखाना में रोज का फ्लेवर में बनाया था, मखाना पान में बनाया था, वैसे यहाँ पे मैं काजू बता रही हूँ। ओके, तो हाफ कप हमने काजू को विदाउट घी विदाउट बटर हमने रोज किया है। 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे ऑरेंज क्रश, ठीक है, ऑरेंज क्रश ले लिया। देन यहाँ पे हमें लेना है फ्यू ड्रॉप्स ऑरेंज इमल्शन, क्योंकि जस्ट ऑरेंज क्रश से आपका फ्लेवर नहीं आएगा, ठीक है। ये पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कैश्यूज हम डाल देते हैं इसमें, शेड्स में रखना चाहते हो तो वैसे भी रखो, तो पता चलेगा कि ये काजू ही है ना। इमल्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो एसेंस एंड कलर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, बट बहुत इजीली मिल जाता है इमल्शन। ये हमने कर दिया अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर शुगर। बहुत अच्छी खुशबू आ रही मैम। यहाँ पे हमें लेना है कैस्टर शुगर, करीबन 1 टेबलस्पून डाल दो। ओके, इस तरह से हमने डाल दिए। इफ इमल्शन नॉट अवेलेबल, कलर एंड इसेंस को आपको यूज करना है। नीलिमा जी हेलो, काफी लेट आ गई आज नीलिमा जी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, मनीषा जी बोले कि लुक्स डिलीशियस, यस। आप जो चाहे पान फ्लेवर में बनाओ, जो चाहे फ्लेवर में बनाओ, ठीक है। यहाँ कलर मस्त आया मैम, नाइस कलर, इसमें पाइनएप्पल भी। फ्राइडे का बंदोबस्त हो गया सीरियसली। ओके, तो थोड़ा इसे इस तरह से स्प्रेड कर दो, क्या होगा ना, प्रॉपरली ये बेक हो जाएंगे। क्या बनाया थी नीलिमा जी, मैम आज बना रही है क्या, फ्लेवर्ड नट्स है ना। सेशन 2 में आज हम कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू हो गया, देन हमने इटालियन चीजी काजू, देन चॉकलेट काजू, ये फोर्थ वन है। मीना जी हेलो, मीना जी बोली की अमी गुजरात गई थी सर आज आई। ओके, घूमने गए थे, वाव दैट्स नाइस। 150 डिग्री पे प्रीहीट करना है और 10 से 12 मिनट के लिए इसे हम बेक करेंगे, ठीक है। अमेजोन की आई आपको ऐड आज की इसमें अमेजोन की ऐड आई, मुझे पता ही नहीं क्या है वो, मुझे क्या पता, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मुझे नहीं पता है, मुझे मत पूछो। काजू पूरा ड्राई नहीं हुआ है, चॉकलेट वाला थोड़े थोड़े हो गए हैं। क्यों नहीं, मैंने याना को रिश्वत दी, रिश्वत ऑफर की, क्या सोना है, सोना नहीं है, कल उसको 10 मार्क्स आएंगे तो उसको कुछ मिलेगा। मैम पेरी पेरी फ्लेवर काजू भी बताना। हाँ मैं हाँ। वो तो लाया है मैंने, फ्लेवर लाया है, मैं बता रही हूँ मिक्स सीड में बता रही हूँ, काजू में आप उसे कर सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर टाइम इन टाइम 150 डिग्री आप इसे 10 टू 12 मिनट्स के लिए करो, ठीक है।
तो अब हम जैसे प्रीहीट हो रहा है 150 डिग्री पे, मैं इसे ड्राई करने डाल दूंगी क्रंची होते तक, और उसके बाद हम नेक्स्ट बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे, हम हनी आलमंड का बना लेते हैं, ठीक है। हनी आलमंड बना लेंगे और उसके बाद रहेगा पेरी पेरी और लास्ट में स्ट्रॉबेरी किशमिश। ओके, मतलब 7 फ्लेवर आज के कवर हो जाएंगे, प्रीहीट हो रहा है। चलो तब तक हम अभी क्या करेंगे, आलमंड हनी आलमंड, ठीक है। सो हनी आलमंड, बटर हनी आलमंड भी कह सकते हो। तो उसके लिए हमें लेना है यहाँ पे एक इससे मैं डाल रही हूँ। बहुत गर्मी है सर, उदयपुर से गुजरात, उदयपुर से गुजरात। अच्छा आप उदयपुर से हो? ओह माय गॉड, सही में उदयपुर से हो? तो उदयपुर में तो बहुत ठंड है। हाँ। और गुजरात में गर्मी है, तो मुंबई में भी बहुत गर्मी है। मनीषा जी, बैक साइड में कौन से कुकीज है? मनीषा जी 2000 मस्त कुकीज है ना, है ना? कलरफुल, बड़ी बड़ी, मस्त, एकदम मस्त दिखने में, टेम्पटिंग, टेस्ट में भी अच्छी। वो है कुकीज, शुगर फ्री कुकीज, डायबिटिक फ्रेंडली शुगर फ्री कुकीज, लो ग्लूको इंडेक्स। इसका मतलब है कि डायबिटिक लोग खा सकते हैं, बट ज्यादा नहीं खाना है। ओके, अरे कोई भी चीज ज्यादा नहीं खा सकते। अरे हाँ सॉरी नीलिमा जी, आप कोटा से है, मैं भूल गया था थोड़ी देर के लिए। तो कोटा में कोई भी है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल खा रहे हो, शुगर फ्री खा रहे हो, कोई भी खा रहे हो, लिमिट के बाहर कोई भी। हाँ, बट इतना है कि आप डाइटिंग पे हो, आराम से खा सकते हो, ऐसा नहीं है। ग्लूटेन फ्री है, बट यही नहीं कि नाश्ते में भी यही खाना है, उसमें भी यही खाना है। मैं उदयपुर लेके चलूंगा, अभी उदयपुर बहुत मस्त हो गया। बराबर, जब याना 1.5 साल की थी तब हम उदयपुर आए थे, और अभी मैम बोलती है, मैम को तो घूमना ही नहीं है, बहुत घूम लिया, देखा नहीं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं आलमंड। तो ये मेरी सुनता ही नहीं, क्या करूँ सुन के। हाफ कप, तो ये भी करीबन 70 ग्राम ही रहेगा। ठीक है, बटर हनी आलमंड बता रही हूँ मैं। ड्राई रोस्ट करना है मेरा बग थोड़ा ए उचल बगते पड़ेल, त्याच्या आतमध्ये ग्लासची प्लेट आहे। इसमें हमें भून लेना है आलमंड्स को। इनिवाजी थैंक यू सो मच, यमी तो है ही। अश्विनी जी, मार्केट मध्ये नसतील असे फ्लेवर्स आमच्याकडे असतील आता? यस, मैं आपको वही तो बोल रही हूँ, वही मेन में मोटो है कि ऐसी ऐसी अलग अलग चीजें। हाँ नीना जी, बट नो टैग ब्लॉक एंड ब्लॉक कर दिया, नंबर टैग नो टैग। अच्छा पता नहीं हो सकता है, सॉरी। नीरू जी मैम ये क्या बना रहे? मैम बना रही है अभी फ्लेवर सेशन टू है, सेशन है ये। तो सेकेंड सेशन में अब हम कवर कर रहे हैं हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू हो गया, इटालियन हर्ब्स एंड चीज फ्लेवर में काजू हो गया, चॉकलेट काजू हो गया, ऑरेंज फ्लेवर में काजू बन रहा है ओवन में, और चॉकलेट काजू भी हो चुका है, जस्ट ड्राई करने छोड़ देना है, और ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं।
ये जैसे थोड़ा हल्का सा तड़कना स्टार्ट होगा ना, बस बंद कर दो, क्योंकि ये बहुत जल जाता है तो बहुत कड़वा टेस्ट आएगा। अच्छा है ना, क्या आपको आते नहीं क्या मैसेजेस? जी जब मैसेज आएंगे तभी मैं पढ़ूंगा ना मैम। कंटिन्यू चिल्लाते रहो मीरा जी, ऐसे आप सॉरी बना नहीं रहे हो, पूछ रही हो सामने क्या रखा है। ओके वो है कुकीज, सॉरी मैंने जब जैसे बोला वो है शुगर फ्री कुकीज, सॉरी डायबिटिक फ्रेंडली कुकीज, एंड बहुत इजी तरीके से मैम ने कवर करने वाले न्यू उनका वर्कशॉप आ रहा है जल्दी, और ऑफर फी रहेगी 1000 रुपीज 35 स्टूडेंट के लिए, और उसके बाद रहेगा 1350। मनीषा जी थैंक यू सो मच, राधा जी का मेहमान बना रही है फ्लेवर नट्स। यस ये डन हो गया है, ठीक है साइड में कर देती हूँ, फ्लेम को बंद कर रही हूँ और इसे हम निकाल देते हैं अभी। उसको नहीं करना है प्लीज, तो फिर क्या स्टैंड थोड़ी ना कर पाऊंगी मैं। स्टैंड करो क्योंकि उसको करोगे तो फिर आप बोलोगे कि वो हिल रहा है, प्योर है, बार बार करोगे तो वो नीचे भी गिर सकता है। चॉकलेट फ्लेवर में अभी नेक्स्ट हनी आलमंड ना उधर करती हूँ कैमरा, इससे पहले तो हम निकाल देते हैं। फ्लेम को ऑन कर दो, इसमें हमें लेना है बटर 1/2 टेबल स्पून, ज्यादा लेट नहीं बट बहुत इजी है नीला जी, सारी चीजें सिंपल टेक्निक्स हैं, आप फिर से देख सकते हो। इजीली बना के रख सकते हो और देन यू नो इट्स लाइक इट विल बी वेरी यमी एंड टेम्पटिंग ऐसे बोल सकते हैं। तो बटर ले रही हूँ यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून, और अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, थोड़ा मेल्ट हो जाने दो, हनी ऐड करना है। क्या हो गया? आपका क्या है सर, खुद टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। शिखा जी घी ले सकते हैं क्या?
इसमें ले लो डियर ऐसा कुछ नहीं, बट हनी और बटर का फ्लेवर मुझे ठीक लगता है। थैंक यू वेरी मच फॉर द वंडरफुल अमेजिंग एंड सुपर डुपर ग्लास। थैंक यू सो मच मीना जी, आप लोगों के लिए मैम लेके आती नई नई चीजें। और कल से मैम संक्रांति स्पेशल कुछ लेके आएंगी? यस, संक्रांति स्पेशल फ्री लाइव सेशन रहेगा। हाफ टेबल स्पून मैं हनी ले रही हूँ, ठीक है। वाव दिलवा याना, गुड जॉब। अभी अब मत खाओ, कल खाओ। याना मुझे दोनों थोड़ा। इधर जी है शिखा जी, अमूल बटर ले सकते हैं? यस हाँ, अमूल बटर भी चलेगा। बटर हनी डाल दिया हमने, अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। याना प्रैक्टिस करो बिना देखे। मीना जी बोलिए गजब। हाँ वो सब आएगा, मैं तो वही तो बोल रही हूँ ना डियर, डोंट वरी, सब लेके आऊंगी। अलमंड खुद ठीक है यहाँ पे। नॉर्मल शुगर ले लो, कैस्टर ले लो, चलेगा, नो इश्यू, ठीक है। वन टेबलस्पून भर के ले लेना है। कल मुझे ऑफिस जाना है। हाँ तो पता है ना। पानी रोजी जी बोले कि ऊप्स लेट टुडे। यस रोजी जी, आप शेयर करके रख दीजिए। और इस संक्रांति रोल, ये मैंने पहली बार सुना। क्या संक्रांति रोल? ये क्या था? इसे हैव टू सी द रिकॉर्ड सेशन। यस जी जरूर शेयर एंड थैंक यू सो मच मित्र जी। सिनेमन पाउडर कुठे गेला? इसमें मैं सिनेमन पाउडर ऐड करूंगी, इसे अच्छे से मेल्ट होने देते हैं थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आप टीस्पून या ताकि। अबाउट यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, ठीक है। जस्ट हाफ टी स्पून मैंने पानी डाला है ताकि अच्छे से डिसॉल्व हो जाए शुगर हनी बटर के साथ। वाओ हनी की मस्त खुशबू आती है एकदम, और एकदम बढ़िया आएगी, ठीक है। मैंने ही बोला था, ये हमने 5 किलो लिया था हनी, पता है ना। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। क्या सिनेमन पाउडर हमें अश्विनी जी काजू रोल फ्लेवर मध्ये करू शकते? सिनेमन पाउडर डाल दिया मैंने, मैंने इसलिए कहा ना एक फ्लेवर मैंने बनाया। कराच हलवा खारू कशा से वो बताइए प्लीज। मधु जी बोल रही है कराच हलवा, कराच हलवा ये तो मैंने दिवाली में कराची हलवा बोल रही है मधु जी। अश्विन जी काजू रोज फ्लेवर मध्ये यस कर सकते हो आप। अभी इसे ड्राई करना है, ठीक है, ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पे, क्योंकि इसे जलाना नहीं है। मस्त सिनेमन का फ्लेवर हनी के साथ अमेजिंग खुशबू यहाँ पे। चलो अभी हम इसे थोड़ा सा, मैं पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रही हूँ। पिंच सॉल्ट डालो, ब्लैक सॉल्ट डालो, ठीक है, बट डालो थोड़ा सा, एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। पार्चमेंट पेपर एकदम साइड में ही रखना है आपको, इसमें से तार टूटना स्टार्ट हो जाएगा, और आइसिंग शुगर साथ में रखना है, ठीक है। अच्छा जी सर काय टाकू शकतो ते रोज रोज मध्ये? अश्विनी जी मी रोज का बता मखाना बताया ना, रोज मखाना बताया है आपने, देखा क्या? रोज मखाना मैंने बताया है, रोज फ्लेवर वैसे ही करना है, बस सिर्फ क्वांटिटी इतना लेना है। ऑरेंज की जगह आपको लेना है रोज क्रश या रू अफ़ज़ा ले लो, और इमल्शन ले लो रोज फ्लेवर का, ठीक है। कैस्टर शुगर ले लो, यहाँ पे रेगुलर शुगर का यूज नहीं करना है जब आप कोई भी चीज को बेक कर रहे हो, मीन्स ओवन में ड्राई कर रहे हो,
देखो ये धीरे धीरे इसे ड्राई करना है और आइसिंग शुगर रेडी रखना है और पार्चमेंट पेपर रेडी रखना है। देखिए कौन से है, हनी बटर, हनी आलमंड। आपको खुशबू नहीं आ रही है हनी? थोड़ी देर के लिए भूल गया था। ठीक है, फ्लेम को लो कर दो। जी मैम, कराची हलवा आपने दिवाली में सिखाया था क्या, वीडियो है क्या? जी पेज पे वीडियो है, आप सर्च कीजिए कराची हलवा बाय प्रियाज मैजिकल किचन। होप्स आपको मिल जाएगा, ट्राई कीजिए। मैं इसे निकाल रही हूँ, ठीक है, कि ये ऑलमोस्ट हो गया है, अदरवाइज जल जाएगा। उठी गेला रे कपड़ा खाइस। मैम को कुछ दिखता ही नहीं है। डैडी मैं लर्न करती हूँ अच्छे से। ओके। उसके बाद मैं अपना रिवीजन देती हूँ। ओके। अरे बंद करना। उठ उठ उठ। ठीक है। ठीक। फिर मैं पढ़ती 10 मार्क्स। ये निकाल रही हूँ मैं। ऐसे नहीं होता है। आप प्रैक्टिस करो, मैम पता है ना कितना स्पिन इस तक निकाल दिए। चलो जाओ। ठीक है। यहाँ पे पहले तो इसे अच्छे से स्ट्रेट कर लो और उसके बाद हमें आइसिंग शुगर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेना है। इसे ड्राई करने के लिए छोड़ दो। चलो टापूंगी। आइसिंग शुगर होममेड है, जैसे कि ये मैंने पोटली डाल के रखी है इसमें। हो गया मैम इसका काम? ये लास्ट प्लेयर था? नहीं ना बाबा, और है। इसको क्लीन करो। ठीक है, आइसिंग शुगर हमें डालना है। होममेड आइसिंग शुगर का वीडियो आप देख सकते हो, है पेज पे। क्योंकि ये ठंडा होने के बाद कोट होने से रहा, इसलिए इसे थोड़ा सा गर्म जब रहता है ना, तभी आपको आइसिंग शुगर में इसे कोट कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। और अब हम इसे ठंडा करने छोड़ देंगे। अभी मैं चिल्लाने वाली नहीं। का झालं डब्बा? काय करतोस माहिती? अच्छा मैं करता हूँ, आपकी हेल्प कर रहा था। देखो क्या क्या सुनने को मिलता है। ठीक है, ये क्योंकि एक्स्ट्रा आइसिंग शुगर ये निकल ही जाएगी। अब हम इसे फैन के नीचे छोड़ देते हैं और हम दूसरी रेसिपी की ओर बढ़ेंगे। नो वे याना, क्या है यार? अरे मम्मा जी आप अपने इससे ध्यान दो। एक्स्ट्रा डस्टिंग वो निकल जाएगी, ठीक है, आइसिंग शुगर की, बट हमें अच्छे से करना है उसे कोट। व्हाट इज दैट पोटली इन आइस शुगर? आइसिंग शुगर ये है चावल की पोटली, मैंने डाल के इसलिए रखी क्योंकि देखो देखा आपने उसमें बिल्कुल भी गुठलियां नहीं थी। दो तीन मॉइस्चर मॉइस्चर खींच लेता है, होता है खींच लेता चावल। हाँ, तो चावल की पोटली इसलिए रखी जाती है। हाउ टू मेक आइसिंग शुगर शिखा जी, मैम ने रील डाली थी, आप रील देख लो। फॉर व्हाट पर्पस इज, ओके व्हाट इज द पोटली जी, मैम ने अभी बता दिया है। सियोना जी थैंक यू सो मच। मोनिका जी सर वहा कितना डिग्री है? यहाँ 9 डिग्री है, बहुत कोल्ड है। अभी अभी का टेम्परेचर है 24 डिग्री। ओके, मैंने अभी मेरे सिस्टम से देखा, सिस्टम में मुझे दिख रहा है अभी 24 है, मोबाइल पे देखता हूँ। क्या लकी हुआ, 5 मिनट में दोनों चीजें रेडी हो जाएगी, फैन के नीचे रखा है।
तो हम नेक्स्ट रेसिपी की ओर बढ़ते हैं अभी। और मोबाइल पे दिखा रहा है 23 डिग्री और आज का मिनिमम रहेगा 17 डिग्री कुछ भी नहीं, मोनिका जी के यहाँ पे 9 डिग्री है अभी। वाओ प्लीज जी हाँ। चलो अब हम, ये है हमारे सीड्स, काजू का काम हो गया। हेलो पोटली हटाओ भाई इसको। महाबल, अरे महाबल स्पेशल स्ट्रॉबेरी क्रीम। हाँ ये ना रही है ना, यस ये ना जी, मैम को लेके आएंगी, याना को बहुत पसंद है, मुझे भी और मैम को भी। मैंने जब फर्स्ट टाइम खाई थी ना, मुझे मैं मस्त खाती थी, खाया था एक बार खाया दूसरी बार जी मैम बोला ये क्या कर रही हो। अरे वो उधर वही खाने में मजा आ रहा है, अब मुझे नहीं याद है अभी। याना ठीक है? ठीक पूछ रहा याना, ऐसे ऐसे पैर करके चल रही थी ऊपर ऊपर, क्लीन वाला कपड़ा मधु जी प्लेट में कुकीज है, वो डायबिटिक फ्रेंडली शुगर फ्री क्लास की कुकीज है, जल्दी आएगा अवेलेबल हो जाएगा और उसके ऑफर फीस रहेगी फर्स्ट 35 स्टूडेंट के लिए 1000 रुपीज ओनली, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा वीडियो का। यस ओके चलो हाँ, तो यहाँ पे हम सनफ्लावर और पम्पकिन एंड सनफ्लावर से दो ले रही हूँ, आपको और जो चीजें डालनी है मिक्स में बनाना है तो भी चलेगा, ठीक है। डिंपल जी बोले कि स्ट्रॉबेरी खत्म हो जाएगी मैम जी, नहीं 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 मेरे पास है दो डिब्बे लाके रखी रहेगी, एंड तक स्ट्रॉबेरी रहेगी। हाँ। और इस बार तो मैंने सुना है कि 15 फेब तक जाएगी, डोंट वरी। जनवर जी पेरी पेरी के लिए बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम डैडी आपने बोले ना कि हे राम तू कशाला मन मटला तिला, एक मिनट क्या आपने बोला था ना कि एग्जाम वैकेशन पे प्लैनेटोरियम में जा रहे हैं। यस जाएंगे। किधर है ये? इधर है मेरे ऑफिस में, 2 hours। यस यस जाएंगे वो शो करने के लिए, अभिषेक पढ़ाई करो। सीना जी बोले कि उनके यहाँ पे 12 डिग्री है, वाह इतना तो भी ठीक है, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है कि स्टिल उनाड़ा है। तो आप क्यों रह रहे हो मुंबई में, बोलो अभी बोलो, आपको तो मुंबई नहीं पसंद था, वही है ना किस्मत, आपको तो मुंबई पसंद है, फिर गर्मी के लिए कुछ मत बोलो। पहले नहीं था ना, किसका आयलैंड है? रुद्र जी बोले 3-4 डिग्री, वाव। तनवर जी आज का सेशन है फ्लेवर्ड नट, तो मैम वही बना रही है। वन फोर्थ 35 ले लो या फिर 40 ले लो, बाद में बताऊंगा, आप जाओ डिस्टर्ब नहीं करो, थैंक यू सो मच। ठीक है हमने ले लिया है 1/2 कप मिक्स सीड है दोनों, पम्पकिन एंड सनफ्लावर। ओके पैन दे दो, अब इसका पहले मसाला बना लेते हैं, तब तक हम इसे भून लेंगे। थोड़ा गरम कर लो, कर लो ना, कहाँ है लाइटर? नहीं है उधर, है उठा। मसाला बनाते हैं तो इसके लिए हम पेरी पेरी आराम। अभी अगर हम घर में पेरी पेरी मसाला बनाने जाते हैं तो काफी सारे डिफरेंट इंग्रेडिएंट लगेंगे, सो वो इकट्ठा करने से अच्छा रेडीमेड हमें पेरी पेरी मसाला मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं उसका यूज कर रही हूँ। कैसे जा रहा है सर यहाँ? मुझे क्या पता, मैं भी नया हूँ यहाँ पे, आराम से कमी कर ऐसा ना, उठा है चाकू अगर काम से है जिससे ठीक है। हेलो सुनीता जी, बाप रे बाप, मस्त है, वाह कितनी टिकट तीखा ही रहता है पेरी पेरी, विदाउट पेरी पेरी भी बहुत बताया ना है ना डियर, मैंने आप
सेशन वन भी देख लो, उसमें भी हमने 7-8 फ्लेवर कवर किए हैं मखाना के, नट्स के आज के हमने कवर कर रहे हैं 7 फ्लेवर। तो पेरी पेरी एक ऐसा फ्लेवर है जो मोस्टली रहता ही है ना। तो हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून ले रहे हैं पेरी पेरी मसाला, इसको 1 टेबल स्पून का आधा कर लेती हूँ, ठीक है। ये ले लिया, आप इसमें मखाना में बनाओ, काजू में बनाओ। देन यहाँ पे हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली पाउडर, कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर ले लो, सीड्स के और दूसरा फ्लेवर, सीड्स के बहुत सारे फ्लेवर बनेंगे डियर। मैंने जो भी मैम ने कवर किए वो सारे फ्लेवर बन सकते हैं। मखाना में जो फ्लेवर मैंने कवर किया है वो सीड्स में कवर कर लो, ठीक है। यहाँ पे रेड चिल्ली पाउडर ले रही हूँ मैं 1/2 टीस्पून। हम ऐसे तो रोज करके सीड्स खाने से रहे, हाँ जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है वो खा लेंगे, बट अगर थोड़ा सा इसमें चटपटा मिल जाए तो और मजा आएगा, है ना। तो 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया है यहाँ पे रेड चिली पाउडर। व्हाट यू हैव केप्ट इन द वो पेरी पेरी मसाला है, अभी मैम ने रेड चिली पाउडर डाला है। और अब हम यहाँ पे चाट मसाला, चाट मसाला ले लेते हैं इसमें 1/4 टीस्पून। ये ले लिया ब्लैक पेपर पाउडर, वो भी हाँ ठंडा हो चुका है, लाके वो भी दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। फाइनली ब्लैक पेपर, ये तीखा चटपटा बनने वाला है, ठीक है, तो थोड़ा संभल कर खाइएगा। ब्लैक पेपर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट 1/8 टीस्पून, ठीक है, ब्लैक सॉल्ट ले लिया। और यहाँ पे आप ऑरिगेनो ऑप्शनल है, ऑरिगेनो लेना है तो ठीक है, पेरी पेरी के साथ अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीबन ऑरिगेनो ले रही हूँ, और पाउडर शुगर, थोड़ी सी पाउडर शुगर, पाउडर शुगर घेतली आता, बर झालं आणि कशात तरी मी, ओ माय गॉड, मैंने सॉल्ट की जगह शुगर डाल दिया था। बच्चों को कैसे खिलाए मैम, मतलब अभी देखो अगर बच्चे खा ही नहीं रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट मुझे इतना समझ में आ रहा है कि चॉकलेट में या चटपटा जो शौकीन है वो खा लेगा। ये तो हर जगह इसका ये है कि तुम्हें शौक सिल्वर। अभी जस्ट हम जस्ट थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट कर लेते हैं। मसाला बहुत मस्त है, तिखट पण है ना, भारी, ठीक है। 1 टीस्पून के करीबन, याना जरा धीरे, इसी हम अच्छे से भून लेते हैं। सीड्स बच्चों को कैसे खिलाए, ये काफी डिफिकल्ट, ये आप लड्डू के, लड्डू बना के खिला सकते हो, मैंने बताया ना लड्डू। अंशु जी बोले लुक डिलीशियस, यस, कोई शक। हे उसल नो, झालं
ठीक है, जैसे वो चटकना स्टार्ट हो जाता है, समझ लीजिए ये अच्छे से भून गई है। सर्दियों के सीजन में घी तो खाना ही चाहिए, डेली 1 टीस्पून तो खाना ही चाहिए। ऐसे भी सीजन में घी डेली 1 टीस्पून खाना ही चाहिए, उससे मोटापा नहीं बढ़ता बट बॉडी में अपने हड्डियों में ग्रीस तो जरूर आ जाता है। अच्छा? है ना, लेडीज की तो वही काफी प्रॉब्लम्स होती है। आप खाते हो क्या घी? मैं तो ऐसी चीजों में खाती हूँ ना भाई, लेकिन खा तो रही हूँ। आप अपना देखो, आप तो खाते ही नहीं हो लड्डू। मैं पराठे में बना के देती हूँ, घी लगा के देती हूँ। फिर डेली तो एक तो चीज पराठा रहती है, कभी गोभी का पराठा, कभी आज तो मैंने स्वीट कॉर्न का पराठा बनाया, मूली का पराठा है ना, मटर का पराठा, डेली पराठा तो एक रहता ही है। कल भी एक पराठा रहेगा, डोंट वरी। नाश्ते में सर्दियों में पराठे से अच्छी कोई चीज ही नहीं है, मुझे तो ऐसे लगता है। अभी देखो चटकना स्टार्ट हो गया है, ये फूल जाएगी मस्त और क्रिस्पी भी हो जाएगी। मस्त वट्टा त्रे। मैं तो ऐसे रोस्ट किया हुआ ही खा लू। सोने से पहले एक और बार रिवीजन करूं। कौन सा है कल्याण? सुनो, इसके पीछे रीजन है। कितने मार्क्स लाने हैं या ना आपको? इट्स नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस भी और मेन एग्जाम बाकी है ना। ठीक है, ये हो गया है रोस्ट भाई, फ्लेम को बंद कर रही हूँ, हटा देते हैं। अब हम इधर कैमरा कर दो। ठीक है, सबसे पहले ये मसाला तो एक इसमें निकाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। और फुल फ्लेवर कौन नहीं खाएगा भाई। सॉरी, क्या सुगंध है तो? एकदम कॉर्न पराठा कभी का? अरे मैं ऐसे बनाया नहीं। अरे बड़ा मजेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी एकदम। थोड़ा इतनी देर बोला है का बब्बर कुछला बोल आराम से जी। कैंपिंग बोले पल्लवी जी, हेलो गौरी जी। आप तो बाकी छे पण आणते मी। हो गया सब? लाओ ये रख दो। ये तो मैं ऐसे ही खा लू भाई। थोड़ा ट्राई करके देखो, तीखा है बहुत हां, तो थोड़ा आराम से। हम ने भाड़ा आता थोड़ा में डैडी भी आ रहे हैं, रुक जा। ठीक है, पराठास? यस बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, काय म्हणते मी, छोटे प्लेट्स का हाड जरा कुठले छोटे? हाँ अच्छा ठीक है यार, इसको मैं थोड़ा सा ठीक है। ये काजू देखो, इसमें हम अभी क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैस्टर शुगर डाल देंगे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, कैस्टर शुगर डालना। खाली करो को कैमरा। हाँ।
हाँ रेजिन्स बाकी है ना सिर्फ अभी बच गया है दिया। कैस्टर शुगर दे मला पूरा कैस्टर शुगर कैस्टर शुगर से इसे नौ दिया ना करते ग यानाला म्हणताय मी पिरी पिरी मसाला वाले बहुत मस्त हो गए। पूजा जी मैं नोटिफिकेशन नहीं है सॉरी पूजा जी डिलीशियस जी वाओ अमेजिंग जी हाँ मुझे भी जी अफसाना जी ऑफरिंग जी नोटिफिकेशन नहीं आता है सॉरी क्या करें व्हाई यू आर कोटिंग इन द कस्टर्ड शुगर बिकॉज बोलो मैम क्या सर जी मुझे नहीं पता कैस्टर शुगर मेन बात तो मॉइस्चर नहीं छोड़ेगा ठीक है और जो हमने इसके ऊपर ग्लेजिंग की है मतलब इस, नहीं होगा। हाँ यस ये समझा okay. ये हमारे कैशूज ऑरेंज फ्लेवर में काजू। अब नेक्स्ट है हमारा जी कैस्टर शुगर एंड आइसिंग शुगर बोथ आर नॉट सेम मैम स्ट्रॉबेरी को फ्रीज फ्रोजन करना बताइए प्लीज हाँ जॉइंट लेक वेरी अमेजिंग ऑलनट कुकिंग थैंक यू आलमंड क्या मिली हमें थोड़ा करके आया देते हैं ऑरेंज वाले बहुत मस्त लग रहे हैं दू क्या एक नहीं नहीं अरे खा के देखो आपकी मजा है नहीं नहीं फ्राइडे के लिए रखो ना फ्राइडे के लिए रखो फ्राइडे के लिए रखो या ना अमला कैंडी एंड सुपारी हाँ हाँ येणार येणार आणशील लवकर आवडा आणशील तर मग मी बनवणार येस मम्मी वांट टू ट्राय ऑरेंज मॅम ऐसे ही बोलतीये अरे आणते म्हटलं ना क्या हुआ आपका कुछ सॉरी गुरुजी मगर दॅट्स कॅशियस आई वांट टू ट्राय द अरे स्ट्रॉबेरी को फ्रोजन करना है तो बताइए सांगते मी आई वांट टू फैमिली बोले फ्राइडे क्या है सर फ्राइडे सर की पार्टी होती है ना बैठते हैं बाप और बेटी पार्टी करते हैं आई वॉन्ट बिस्किट थाम ना बाळा त्याच्या फोटो नाही काढलाय मी का अशी करतेस अभी का अशी करेंगे आपने पढ़े होगी पढ़ाई होगी देखिए ठीक है डोंट शो मी एटिट्यूड जो कि आपने भर भर के अरे दोनों के दोनों चमन प्राश यस यार चमन प्राश फ्राइडे क्या है रोजी जी भी बोले फ्राइडे कुछ नहीं है फ्राइडे फ्राइडे होता है फ्राइडे हमारा हम बाहर से मस्त कुछ चीजें लाते हैं और खाते हैं वो आप ही लाते हो और आप ही खाते हो ठीक हाँ। है ये आलमंड्स है एक्स्ट्रा हम इसकी कोटिंग निकाल सकते हैं उसे थोड़ा सा छान लो तो एक्स्ट्रा जो इसमें क्या कहते हैं ना आइसिंग शुगर लगा है ना तो वो निकल जाएगा और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा क्रंची में इतना काम होता है वीक डेज में हो गया ना खत्म यस वीक डेज में इतना काम होता है इतना प्रेशर रहता है कल तो मेरा बीपी भी बढ़ गया था क्यों बढ़ गया था भाई मैम की वजह से मेरा नहीं बढ़ता मैं इतने काम करती हूँ और मेरा नहीं बढ़ता तो मेरा बढ़ता है ना मेरा लो होता है तो लास्ट है रिजेंस ठीक है आपकी तो मौज है सर जी हाँ बहुत मौज है बहुत क्या बताएं मैम इतना यम्मी बनाती है फिर भी बाहर से खाना क्योंकि मैम मुझे जो चाहिए मैम नहीं बनाती है मैम को बोलता हूँ मुझे तंदूर लेके दो तो जगह नहीं है ये नहीं है घर में जगह नहीं है तंदूर रखने के तंदूर का बहुत बड़ा तंदूर थोड़ी रहता है मैम एक सिगड़ी रहती है तंदूर वाली अब हम इसे एक बार छन्नी से एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे कोल भी है ये देखो ठीक है आइसिंग शुगर निकाल लो तो हमें पता चलेगा फिर इसमें ये आलमंड है कि कोई दूसरी चीज है है ना इतने आवाज आ रहा है आपको एकदम करारा सा आवाज
क्योंकि अभी स्ट्रॉबेरी, मैम स्ट्रॉबेरी को कैसे फ्रोजन करना है बता दीजिए। अरे अभी नहीं बता सकती मैं वीडियो डाल दूंगी, अभी नहीं बना सकती है मैम, बताइए वीडियो डाल देंगे। ठीक है, मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया है, अब ये इसके ऊपर कोटिंग है हनी की, कैरेमल की, और बाहर से जो है मस्त, जस्ट हमने इस तरह से आइसिंग शुगर ही लेना है, ठीक है, ना कि पाउडर शुगर, आपको पता है पाउडर शुगर हाँ मैं खा रही हूँ, मस्त खतरनाक, किसी को पेरी पेरी मसाला आसम, मैम पेरी पेरी चिकन बनाओ ना, मैम बोलेगी नहीं मुझे नहीं आता, मुझे मत पूछो ना। तो हम क्या करें फिर, हम बाहर से नहीं तो कहाँ से लाए, जा जो बनाना खाना है खाओ। ओके, अब नेक्स्ट है रेजिन्स भी सीख लो, अभी बता रही हूँ। रेजिन्स कुटा है किशमिश, अगर आपको ना एकदम लंबी बड़ी वाली किशमिश मिलती है ना तो वो ले लो सबसे बेस्ट। मैम यू नो सो मेनी इनोवेटिव थिंग्स जी, मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊं, और होती है जैसे दिमाग लगाते हैं ना तो आ जाता है मन में कि ठीक है हम कर लेंगे, है ना, तो यही तो है जब दिमाग पे प्रेशर, यू नो मैं जब मास्टर शेफ देखती हूँ ना मुझ में बड़ा क्रेज आ गया यार, कि उनकी प्लेटिंग देख के, और सर सर मुझे इतना प्रेशराइज करते हैं, दो दिन तो इतना डांट पिला है, मुझे कुछ करना है नहीं गिरता है मुझे कुछ करना है कि नहीं, इन फ्यूचर कुछ करना है कि नहीं, तो अभी से लगो, फिर बोलते जी ना, मैं अभी से बोल दो, अगर जिनको भी मास्टर शेफ नेक्स्ट ईयर जाना है तो तैयारी एक साल पहले से करना, एक दो साल पहले से तैयारी करोगे yes. तो आखिरी 16 में जाओगे, 16 छोड़ो 14 में तो आए भाई, पहले पहले 40 का होता है, 40 में 36. होता है, नो 40 36 थे मैडम, आपका ध्यान ही नहीं रहता, अरे फर्स्ट 40 वाले पी के लिए होती ना, नहीं वो वैसे नहीं होता, कैसे होता है वो वैसे नहीं होता, दो दो राउंड, वो मुझे नहीं पता, टीवी में दिखी क्या वो, नहीं दिखी, अरे तो ना बहस मत करो मुझसे, मुझे आधा पता है, पट्टी व्हाट इज द ब्राउन वन, व्हाट इज चॉकलेट, चॉकलेट वन, मैम कैस्टर शुगर के बदले आइसिंग शुगर नहीं कर सकते यूज, किसके ऊपर, इसके ऊपर जी नहीं, नहीं ये जितना पैरा टेक्सचर दिख रहा है ना डियर, इसके ऊपर का कोटिंग शाइन, ये आइसिंग शुगर से नहीं दिखेगा, आइसिंग शुगर वाला देखो आप कैसे दिखेगा, ये आलमंड पे ठीक है बट आप कैशिस के साथ जा रहे हो, कलरफुल बना रहे हो तो ऐसे क्यों करोगे, है ना, नहीं दिखेगा अच्छा, ये देखो दोनों हाँ, इसलिए तो मैंने आइसिंग शुगर बताया है इसमें, ये स्पीकिंग नहीं, आज का मेन अट्रैक्शन यही लग रहा है ना, कलर आपको ऑरेंज अच्छा कैंडी लग रही है या काजू लग रहा है पता नहीं बट है अमेजिंग, और टेस्ट भी उतना ही अमेजिंग है जी। अब किशमिश देख लो, हमने किशमिश का तो फ्लेवर ही बदल दिया, किशमिश हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाएंगे, ठीक है, सो किशमिश हमें लेना है यहाँ पे, आप जितने चाहे सोलह काट ना रहे, काट लो अर्धा कप घी का, मीना जी कैस्टर शुगर इज मेड फ्रॉम व्हाट इंग्रेडिएंट्स, एक्चुअली कैस्टर शुगर जो होती है शुगर ओनली, नॉर्मल शुगर ही होती है बट उसे एकदम फाइनली बनाया जाता है, सब मशीन मिल, वो घर में पॉसिबल नहीं होता इतना हम कर पाए, है ना, तो मैं भी थोड़ा सोच रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ, अरे बनाओ तो बनाओ कैसे, तो अभी तक तो वीडियो आ जाता सेवेंटी ग्राम के करीबन ले रही हूँ, ओके अगर ऐसी लंबी लॉन्ग साइज में अगर मिल रही है ना किशमिश मस्त, तो वो ले लो सबसे बेस्ट, ठीक है, दिखने में भी बड़ी अच्छी लगेगी फिर वो, मैम टाइम पे बता दें कि लॉन्ग साइज वाले लेके, अरे भाया नहीं मिला होता है ना, ठीक है ना भाई, मुझे कोई जगह जाना पड़ता था, शुगर इज आइसिंग शुगर इज मेड फ्रॉम आइसिंग शुगर मेड फ्रॉम शुगर एंड कॉर्न फ्लोर, या यस पूजा जी, मैम विच फ्लेवर्स वी कैन मेक रेजिन्स इफ वी डोंट वांट इन स्ट्रॉबेरी, आप ब्लैक करंट यूज कर सकते हो, ब्लूबेरी यूज कर सकते हो, ऑरेंज, अरे पर अपने स्ट्रॉबेरी सा हो गया है का नो चल,
अब नहीं है तो फिर क्या मैम बादाम को हाँ पहले रोस्ट किया था क्या? हाँ रोस्ट करो तो ही टेस्ट अच्छा आएगा उसका। आपको लेना है यहाँ पे हाफ कप मीन्स 70 ग्राम रेजिंस। लॉन्ग में रहेगी तो बहुत अच्छी है, जो जिसे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की बनती है, थोड़ी महंगी होती है। हाँ जो मैम ने मुझे टाइम पे बताया लेके आओ, छोड़ा नहीं लेके आया। तो यहाँ पे हमें लेना है हाफ टेबल स्पून। सरिता जी ये मेरा स्ट्रॉबेरी क्रश करता है। ओके हाफ टेबल स्पून स्ट्रॉबेरी क्रश। अगर मैम के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर कर दीजिए। मेरे पास ऑरेंज क्रश घर का नहीं था बट स्ट्रॉबेरी वाला है क्योंकि मैं और बना के रख देती हूँ। और आपको लाइक भी करना है एंड शेयर भी करना है। अगर आप लाइक करते रहते हो तो आप एक स्पेशल कैटेगरी में चले जाते हो और फिर मैम के जो भी इवेंट्स रहते हैं, कुछ भी रहता है, कुछ भी मैम अगर पोस्ट करती है तो आपको जल्दी दिख जाएगा। एल्स क्या होता है आप लोग बोलते हो कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन नहीं आता क्योंकि वो अभी फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो उसमें कुछ बग्स होंगे राइट। तो स्वाभाविक है, हमने ऑलरेडी इनको दिया है कि ये ऐसे होता है बट वो देखेंगे अभी इस पे काम कर रहे शायद। इमल्शन डाल दिया ठीक है स्ट्रॉबेरी का, अच्छे से कोट कर लेना है इसे। अब हम इसमें डालेंगे ठीक है पार्चमेंट पेपर देना मला चला हटो ट्री पाहिजे मला ट्री पाहिजे ठीक है। स्ट्रॉबेरी में मैंने बनाया है, अब जो चाहे इसमें बना दो। अरे बाबा देख तो सरल ठेव तो सरल। हाँ अब इसे हम ड्राई करने छोड़ देते हैं 150 डिग्री पे। वाओ कलर काफी अच्छा है। अब ब्लूबेरी में कर लो इसे है ना, स्ट्रॉबेरी में क्योंकि सिर्फ क्रस्ट से वो फ्लेवर नहीं आता है स्ट्रॉन्ग, इसलिए इमल्शन डालना जरूरी होता है ठीक है। इसे आपको ड्राई कर लेना है 10 से 12 मिनट के लिए 150 पे, और उसके बाद हमें इसके ऊपर आइसिंग शुगर डस्ट करनी है ठीक है। तो जस्ट प्री हीट हो जाए और फाइनल लुक मैं बता देती हूँ आपको, इसको हम ओवन में डाल देंगे। और कोई रिलेटेड इसके क्वेरीज है सो पूछ लो। और एक आध दिन मैं आप लोगों को वो जो नट्स चिवड़ा होता है ना सो वो भी मैं सिखा दूंगी। ओके सो सारे फ्लेवर ट्राई करो, बहुत मस्त है। काय झालं रे, आओ ना फिर तो उसको समझा रहे हो। सो व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, अरे काय झालं आई डोंट नो, एक मिनट कुछ नहीं। 10 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पे मैंने उसे
ड्राई करने छोड़ दिया है, ठीक है। 10 मिनट रुकना है तो आप रुक सकते हो, तब तक हम यहाँ पे देखेंगे। मैम प्लीज रिपीट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑल नट्स। ठीक है, तब तक हमारा वो। मैम चॉकलेट गुजिया कब आएगी? वाओ खुशी जी, पता नहीं यार, मैं समझ सकता हूँ। लोअर रॉड पे जैसे आप केक बेक करते हो वैसे ही करना है बस। मैम ओटीजी में कौन से, जैसे मैम ने अभी भी बताओ, ओवर प्रीहीट करना है या ड्राई करने के लिए? मैम हाँ? कुछ पूछ रहा हूँ, ओवन प्रीहीट करना है क्या? हाँ, हाँ। कितने में करना है? 160। ओके, चॉकलेट काजू मस्त। मैम प्लीज रिपीट द इंग्रेडिएंट्स फॉर ऑल नट्स। जी जी, आप मास्टर शेफ जरूर जाओ। स्ट्रॉबेरी क्रश आपने सिखाया है मैम? यस। और लास्ट ईयर सिखाया है? नहीं, कहाँ सिखाया, कमर्शियल नहीं सिखाया मैंने। कमर्शियल मैंने कब बोला कमर्शियल सिखाया? ये तो अभी भी मैंने सिखाया था ना। नहीं, कम्पोर्ट सिखाया, कम्पोर्ट सिखाया है रोजी जी। लास्ट ईयर मैम ने सिखाया था स्ट्रॉबेरी क्रश, कमर्शियल नहीं है। ओके, मेरे वर्कशॉप है, मैं कमर्शियल ही वो लेती हूँ। मैम की ऑलरेडी वर्कशॉप है, वहाँ पे मैम ने उस पे किया। मैम रोस्टेड क्या नमकीन? अभी बता दे, मैं रोस्टेड नमकीन जी। अमित जी माइक्रोवेव नहीं है तो कैसे करें? नहीं पॉसिबल है डियर, ये इसके लिए तो भी नहीं है। जो हम फ्लेवर में कलरफुल जो बनाते हैं उसके लिए आप पैन में कर ही नहीं पाओगे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो जल जाएगा, वो कलर ही कैसे आएगा फिर, है ना, वो कैरमलाइज हो जाएगा ना। चलो हम फटाफट कर लेते हैं। तो कौन सा स्टार्ट में? सबसे पहले हमने ये बनाया था हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू। ओके, तो इसके इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले हमें लेना है एक पैन। पैन में आपको कैश्यूज, सॉरी, पैन लेना है। पैन में हमें घी डाल देना है, हाफ कप काजू डाल के उसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। हाफ कप में 70 ग्राम के करीबन था वो काजू। और कौन आले वाला रात्रि उसके बाद हमें आवाज आला ना टैप के लो बाबा, सॉरी। तो चलो यहाँ पे हमने हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू के लिए एक पैन में 1 टीस्पून घी लिया, उसमें हाफ कप काजू को रोस्ट किया। एक बोल में हमने लिया था मसाला, मसाला में हमने लिया है कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, पिंक सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/2 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून एंड हिंग 1/8 टीस्पून एंड ड्राई मैंगो पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद हमने ये कैश्यूज डाल दिए, हमारा हल्दीराम स्टाइल मसाला काजू रेडी। सेकंड इटालियन हर्ब एंड चीज फ्लेवर में काजू, 1/2 कप में 70 ग्राम काजू को रोस्ट कर लेना है 1/2 टेबल स्पून घी में। मसाला बनाना है, मसाले में चीज पाउडर 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, ऑरेगानो 1/8 टीस्पून, मिक्स हर्ब या इटालियन सीजनिंग ले लेना है 1/4 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, ड्राई मैंगो पाउडर 1/8 टीस्पून, सॉल्ट लेना है टेस्ट के अनुसार, मसाला मिक्स करके काजू डाल देना है। नेक्स्ट था हमारा चॉकलेट काजू। चॉकलेट काजू के लिए काजू लिया है हमने 1/2 कप 70 ग्राम के करीबन रोस्ट कर लिया है ड्राई रोस्ट। उसके बाद पैन में 1 टीस्पून बटर लिया, उसमें 1/4 कप डार्क चॉकलेट मेल्ट किया, फ्लेम को बंद कर दिया, काजू को कोट कर लिया और इसे पार्चमेंट पेपर पे ड्राई करने के लिए फैन के नीचे, एसी के नीचे रख दो। और एक ऑप्शन है 10 मिनट के लिए फ्रिज में छोड़ दो, दिन बाहर निकाल दो, दैट्स इट। मॉइस्चर नहीं लगेगा, अगर आप ज्यादा देर के लिए रख रहे हो तो मॉइस्चर जरूर लगेगा। नेक्स्ट वन ऑरेंज फ्लेवर में काजू, 1/2 कप हमने काजू ले लिए, हाफ कप काजू को हमने रोस्ट किया है अच्छे से विदाउट घी बटर। देन हमने 1 टेबल स्पून ऑरेंज क्रश, 1/4 टीस्पून ऑरेंज इमल्शन एक साथ मिक्स करके काजू को
कोट किया, उसके बाद उसमें हमने 1 टेबलस्पून भर के कैस्टर शुगर डाली है, कोट कर लिया और इसे 160 डिग्री पे हमने ड्राई किया है 12 मिनट्स के लिए। ठंडा होने के बाद इसके ऊपर फिर से आपको कैस्टर शुगर स्प्रिंकल कर लेनी है। ओके, तो ये हो गए हमारे काजू। देन नेक्स्ट क्या था, हनी आलमंड, बटर हनी आलमंड। आलमंड हमें लेना है 1/2 कप 70 ग्राम। उसे हमने रोस्ट कर लिया पहले ही, ऐसे ही रोस्ट किया ड्राई रोस्ट। देन एक पैन में आपको बटर लेना है 1/2 टेबल स्पून। बटर जैसे मेल्ट हो जाए हनी डाल देना है 1/2 टेबल स्पून। शुगर लेनी है 1 टेबल स्पून, या कैस्टर शुगर ले लो 1 टेबल स्पून। सिनेमन पाउडर 1/8 टीस्पून लिया है, पिंच ऑफ सॉल्ट, और अच्छे से आलमंड को कोट किया है और साथ में अच्छे से भुनना है जब तक वो ड्राई नहीं होता लो फ्लेम पे, और स्प्रेड करना है पार्चमेंट पेपर के ऊपर जब तक वो अच्छे से ड्राई नहीं होता है फैन के नीचे। इसके बाद आइसिंग शुगर उसके ऊपर स्प्रिंकल करके छोड़ देना है, देना ठंडा होने के बाद आराम से इस तरह से आलमंड यूज कर सकते हो खाने में, किसी को गिफ्ट करने में मत लग जाए एकदम। देन लास्ट वन है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में किशमिश। किशमिश मैंने 70 ग्राम ले लिया, एक बोल में मैंने क्रश ले लिया स्ट्रॉबेरी का 1/2 टेबल स्पून, फ्यू ड्रॉप्स इमल्शन लेना है स्ट्रॉबेरी का, अच्छे से कोट करना है किशमिश को और अवन में डाल देना है 160 डिग्री पे 10 मिनट्स के लिए। ठंडी हो जाएगी, उसके ऊपर हम आइसिंग शुगर से कोट कर लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, वंडरफुल सेशन, थैंक यू सो मच वैशाली जी, होप यू ऑल लाइक, थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। और मैम तिल स्पेशल कुछ डिफरेंट रेसिपी लाए जी जरूर। मैम केक फिलिंग सिखाई, केक फिलिंग कम्फर्ट बोल रहे तो मैम ने ऑलरेडी दो कम्फर्ट स्ट्रॉबेरी कम्फर्ट सिखा दिया है, राइट मैम। साथ साथ में आप बाकी भी बना सकते हो, और भी कुछ केक फिलिंग्स रहेंगी तो मैम जरूर लेके आएंगी। ओके, जैसे मैम ने पहले इसके पहले भी कैरामेल सिखाया, अलग अलग टाइप्स की चीजें सिखाई है। गुड नाइट मीना जी, यस 2 मिनट बाकी है, समय से पहले तो नहीं निकालूंगी मैं इसको, क्योंकि समय से पहले निकालेंगे तो वो एक तो चिपचिपी रहेगी, तो आपको समझ में आ गया ना कि ये लास्ट में क्या करना है, किशमिश को ठंडा होने देना है निकाल के, देन आइसिंग शुगर में कोट करना है। और किसी को भी वर्कशॉप ज्वाइन करना है, अर्ली बर्ड्स ऑफर फी है 35 स्टूडेंट के लिए 1020 टाइप्स की, यहाँ पे कुकीज शुगर फ्री डायबिटिक फ्रेंडली 0 मैदा 0 होल व्हीट फ्लावर के साथ हमने बनाया है। ओके, और कोई भी एक्सपेंसिव एलिमेंट हमने यूज नहीं किया है इसमें, रिजनेबल रेट्स में आपको गिरेगी विद आपको प्राइसिंग के साथ मैं बताऊंगी। ठीक है, तो ये विद इन अ वीक होप सो कवर हो जाए 20 टाइप्स की कुकीज, कुछ जायंट भी है, कुछ अलग अलग इसमें है, सो फ्लेवर्स आपको पता चल जाएगा। व्हाट्सअप करना मुझे जिनको भी ये वर्कशॉप बाय करना है। ओके, अलविदा लेना है क्या, दिखाना है तो दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 मग थांबा, थांबायचं असेल तर थांबाय, किती झाला वेळ, 1 तास 51 मिनिट। माय गॉश मस्त झाली, थांबा बघूनच चालले जा ना। वैसे तो हम लोगों को भरोसा है मेरी रेसिपी में, यही शुगर में यूज करने वाली हूँ। हाँ, इसकी छन्नी, हेलो रिंकू जी, छन्नी छन्नी मैम, मैंने स्ट्रॉबेरी कम्फर्ट बनाया, अमेजिंग बनाया, यस मस्त बनता है, वही तो बोल रही हूँ ना, मैंने तो भर के बना के रखा है, 2 बोतल भर के है, और जब तक सीजन है, आज तो छन्नी दिले होते, हाँ जब तक सीजन है मैं बना के रख देती हूँ। वेलकम,
बहुत ज्यादा आता ला चिपके अलार्म बज गया डाउन हो रहा है ठीक है अवन रुको थोड़ी देर बीच में से हम नहीं निकाल पाएंगे उसे रिंकू जी मैम मैं स्ट्रॉबेरी क्रश फेस स्टोर कैसे करना है का प्रिजर्वेटिव ऐड करना पड़ता है Where do you keep your fillings out or in fridge? मेरी जो मैं commercially जो मैंने workshop लिया है वो मैं सब बाहर रखती हूँ ठीक है और जो मैंने लाइन में सिखाया है वो सारी मैं फ्रिज में रखती हूँ सिंपल फील्ड गेटिंग जी मैम आपकी स्पिनेच सूखे हम भी ये लगता है हमको बोलना समझे नहीं समझा अमित जी मैम आपकी स्पीच सुन के हमें भी लगता है कि अच्छा मराठी सुन के आपको लगता है कि आप लोग भी सीख जाओगे जी होता है ऐसे हाँ याना सीख गए ना साथ में रह रहे थे याना को पहले अच्छी मराठी नहीं आती थी इसके ऊपर अभी आइसिंग शुगर आराम से ठंडे होंगे या फिर कैस्टर शुगर दो में से कोई भी कर लो ठीक है गरम है ऐसे ही छोड़ देना ऐसे जैसे हमने आलमंड को किया था ना ऐसे ही इसे छोड़ दो ठंडा हो जाएगा ये मस्त बनेगी गरम है मैं कैस्टर शुगर मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि वो हार्ड हो जाएगी यू नो इसलिए मैंने यहाँ पे आइसिंग शुगर स्प्रिंकल किया है तो ये ठंडी रहेगी ना तो ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा गरम है तो कुछ नहीं कर सकते ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा अपने आप में ये देखिए कोट हो रहा है ना जैसे जैसे ठंडा होगा ना सी और एक्स्ट्रा आपको निकाल लेना है आओ ऐसे छोड़ दो और उसके बाद कलर भी कितना प्यारा लग रहा है ब्लूबेरी में करो जो चाहे फ्लेवर में करो इसे ये देखो सी हाउ ब्यूटीफुल टैप करूंगा थोड़ा कैमरा और
प्लस सी, है ना। कलर भी चेंज हो गया इसका। एक मुझे इसको हटा और प्लेट दे दे जल्दी से। नट्स के लिए ओटीजी कंपलसरी है क्या? कौन से नट्स के लिए डियर? ऐसा कुछ नहीं, दिस है वो स्वेल्ड अप। यस रोजेटिस, थोड़ी सी तो स्वेल्ड अप होगी। कहाँ पे? ये हाँ। नहीं है, बिल्कुल नहीं। गर्म रहेगी तो होगी हाँ। अब नहीं होगी, हम कोट करने के बाद इसमें नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छे से आइसिंग शुगर में कोट कर लेना है। याला उसल ना उमेश, इतने स्पेस नहीं है। अरे तुम तो सांगा तो है ना, मतलब कुछ करना ठीक है। तो पूरी क्लास हमारी खत्म हो गई। टोटल हमने 15 फ्लेवर नट्स एंड सीड्स कवर किया है ये वर्कशॉप में। ठीक है, सो शेयर करना फ्रेंड्स और लाइक भी करना। और आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो इन फ्यूचर कभी भी आपको ये सारी चीजें काम आ जाएगी, है ना। क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ तो मैं भी आपको हमेशा लिंक और शेयर नहीं कर पाऊंगी। तो आप खुद ही करके रखो शेयर, आपका ही फायदा है उसमें। ओके चलो मिलते हैं। ये वेगो हटता है कहीं तरी, उधर से देखोगे ना कुछ अलग लग रहा है। कैसी लग रही है सारी चीजें? होप सो मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी हो। अब बनाना, ठीक है, सब चीजें बनाओ और सेल करो और रिव्यूज भी देना मुझे फिर। चलो गुड नाइट, मिलते हैं कल। कल हाँ, कल आ जाऊंगी मैं, ठीक है, सेम समय पे 9 PM। चलो गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।